हे गाइस, वेलकम माय चैनल। गाइस, वीवो की V29 5G सीरीज इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। इसके सारे स्पेसिफिकेशन बाहर निकल के आ चुके हैं। किस प्राइस पर ये इंडिया में आई है, क्या क्या आपको बैंक डिस्काउंट मिलेंगे, सब इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो चैनल पर मेरे बार आए हो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्ड और डिजाइन से। तो वीवो V29 और V29 प्रो बैक से आपको बिल्कुल सेम दिखने वाला है, क्योंकि यहां पर दोनों में ग्लास बैक मिलने वाला है। फ्रेम यहां पर प्लास्टिक का होगा। मेरे ख्याल से यहां पर वीवो को मेटल फ्रेम देना चाहिए था। वेट की बात करें, V29 186 ग्राम और V29 Pro 188 ग्राम के वेट के साथ आता है। कलर ऑप्शंस की बात करें तो Vivo V29 आपको तीन कलर देता है, ब्लैक, रेड और ब्लू। वहीं V29 Pro में आपको सिर्फ दो कलर, ब्लैक और ब्लू देखने को मिल जाते हैं। वहीं डिस्प्ले की बात करें, Vivo V29 में आपको 6.78 इंच का एक फुल HD प्लस वाला ये 10 बिट कर्व्ड AMOLED पैनल देखने को मिलता है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज का टच, 1300 nits की पीक ब्राइटनेस, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, 2160 वाट्स की PWM डिमिंग, SGS की यहां पर सर्टिफिकेशन, 93% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और स्कॉट सेंसेशन की यहां पर प्रोटेक्शन। इसके अलावा रेजोल्यूशन आपको 2400x1080p का देखने को मिल जाता है। वही बात करते हैं V29 Pro की, यहां पर भी सेम साइज का 6.78 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये 1.5K वाला डिस्प्ले, कर्व्ड AMOLED पैनल है, तो यहां पर जो फुल HD है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है। यहां पर साथ-साथ यहां पर भी आपको सेम 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज का टच, 7 ग्रेड 10 बिट वाला ये डिस्प्ले है, 93% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, 1300 nits की पीक ब्राइटनेस है, 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग है, एस्कॉर्ट सेंसेशन की यहां पर प्रोटेक्शन मिलती है और रेजोल्यूशन की बात करें तो 2800x1260p का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले लगभग सेम है, बस यहां पर आपको जो है वो रेजोल्यूशन का थोड़ा सा फर्क देखने को मिल रहा है। वहीं परफॉर्मेंस की बात करें, यहां पर मेजर डिफरेंस है। V29 में आपको जो है वो स्नैपड्रैगन 778G वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 6nm के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। 2.4GHz इसकी क्लॉक स्पीड है। Adreno का 642L वाला GPU देखने को मिलता है। वहीं Vivo V29 Pro की बात करें, इसमें आपको MediaTek Dimensity 8200 वाला CPU देखने को मिलता है, जो कि 4nm पर बेस्ड है। यहां पर 3.1GHz की जो है लगभग क्लॉक स्पीड के साथ देखने को मिलता है। इसमें मालिका G16 MCC वाला GPU और Antutu की बात करें तो 9 लाख के आसपास बताया गया कि इसमें Antutu स्कोर्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं रैम और स्टोरेज की बात करें, Vivo V29 आपको दो मॉडल के साथ देखने को मिलेगा, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज। इसके अलावा 12GB रैम, 256GB स्टोरेज। इसमें LPDDR4X की रैम, UFS 2.2 की स्टोरेज है। मेरे ख्याल से जिस प्राइस पर ये लॉन्च हुआ, मेरे ख्याल से LPDDR5 और UFS 3.1 स्टोरेज होना चाहिए था। यहां पर आपको सिर्फ दो सिम स्लॉट है, मतलब कोई SD कार्ड नहीं लगा पाओगे। वहीं Vivo V29 Pro की बात करें, यहां पर भी दो मॉडल है, 8GB रैम 256GB स्टोरेज और 12GB रैम 256GB स्टोरेज। यहां पर LPDDR5 की रैम है और UFS 3.1 स्टोरेज और 2K सिम स्लॉट है, मतलब SD कार्ड यहां पर भी नहीं लग पाएगा। वहीं बैटरी की बात करें तो बैटरी में दोनों स्मार्टफोन सेम है। दोनों स्मार्टफोन में आपको जो है वो 4600mAh की बैटरी देखने को मिलती है और बॉक्स में आपको 80W का चार्जर देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर V29 Pro में 120 वॉट का चार्जर भी प्रोवाइड कर सकती थी Vivo। वहीं कैमरे की बात करें तो V29 और V29 Pro में आपको डिफरेंट कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे। V29 में आपको प्राइमरी 50MP का OIS वाला कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें IMX766 वाला सेंसर यूज किया गया, 8MP का अल्ट्रा वाइड है, 2MP का यहाँ पर मैक्रो दिया गया। इसके अलावा 50MP का आई ऑटो फोकस वाला कैमरा है, रियर से 4K 30fps, फ्रंट से भी 4K 30fps और यहाँ पर अल्ट्रा वाइड से बताया नहीं गया कि कितना, मेरे ख्याल से यहाँ पर 1080p 30fps होगा। वहीं V29 Pro की बात करें, यहां पर भी सेम 50MP का OIS वाला कैमरा है, जिसमें सोनी IMX766 वाला सेंसर है। वहीं 12MP का टेलीफोटो लेंस है, यहां पर देखने को मिलता है, जिसमें IMX663 वाला सेंसर यूज किया गया। इसके अलावा 8MP का अल्ट्रा वाइड है, 2 MP वगैरह के कोई भी फालतू के कैमरे यहां पर नहीं दिए गए। 50MP का आई ऑटो फोकस वाला यहां पर भी सेम कैमरा है, यहां पर आप 4K 60fps रियर से भी और फ्रंट से भी, अल्ट्रा वाइड में यहां पर नहीं बताया गया, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पर 4K 30fps आपको अल्ट्रा वाइड मिलेगा। वहीं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, V29 5G और V29 Pro 5G दोनों में सेम FantaOS 13 मिलता है, जो कि Android 13 पर बेस्ड है। यहां पर 2 साल के Android और 3 साल के मेजर सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। वहीं ऑडियो की बात करें, यहां पर काफी ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट के साथ ये देखने को मिलता है, यहां पर सिर्फ सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है। यहां पर आपको डुअल माइक और कोई भी 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये यहां पर काफी डिसअपॉइंटिंग चीज रहेगी कि ₹40,000 आप पे करोगे और सिंगल स्पीकर मिलेगा, बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज है। वहीं कनेक्टिविटी की बात करें, V29 और V29 Pro में आपको डुअल 5G का सपोर्ट, यहां पर दोनों में ही 8 5G के बैंड से डुअल बैंड वाईफाई दोनों में मिलता है, वाईफाई 6 भी दोनों में मिलता है। V29 में ब्लूटूथ का 5.2 वर्जन है, वहीं V29 Pro में ब्लूटूथ का 5.3 वर्जन है। वहीं बात करते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स की, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सभी प्रकार के सेंसर, GPS, IP52 की रेटिंग, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, वर्चुअल रैम,
मिल जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर V29 Pro में अगर आपको IP68 की रेटिंग मिलती जो इसका प्राइस है उसके हिसाब से ये अच्छा रहता। बात करते हैं प्राइस की, तो V29 यहाँ पर 32,999 की प्राइस पर आया है। इस पर 3,000 रुपये का आपको SBI और HDFC पर डिस्काउंट मिलेगा, तो ये फोन आपको लगभग 30,000 का पड़ जाएगा। 8GB और 128GB मतलब आप SD कार्ड नहीं लगा पाओगे, आपको ध्यान में रखना है। वही V29 Pro की बात करें तो इसकी प्राइस रखी गई है 40,000 रुपये, इसके बेस वेरियंट 8 और 256 की। 3,000 रुपये यहाँ पर भी है HDFC और SBI पर, तो ये लगभग आपको 37,000 के आसपास फोन पड़ जाएगा। तो देख सकते हो यार, मैंने आपको Vivo V29 5G सीरीज के बारे में कंप्लीट डिटेल दे दी, क्या प्राइस पे आएगा, क्या क्या बैंक ऑफर मिलेंगे। आपको कैसी लगी ये सीरीज आप इसके बारे में कमेंट्स में बता सकते हो, क्या आपको इसकी प्राइस सही लगी ये भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो चली गई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपसे नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।